नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेव न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हम आपको दिखाने आए हैं आज एक अद्भुत बस स्टॉप, वसई विरार महानगर पालिका का अद्भुत बस स्टॉप। आप देख सकते हो जाड़ से टंगा हुआ बस स्टॉप, ये हम दिखाने आपको आए हैं। दरअसल इस समय हम खड़े हैं वसई वाबोला से बंगली की ओर जाने वाले रास्ते हुसैनी कॉलोनी पर। हुसैनी कॉलोनी पर यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं हुसैनी कॉलोनी बस थांबा लगा हुआ है। ये इतना अद्भुत बस स्टॉप महानगर पालिका ने लगाया है, जो जाड़ से बांध कर लगाया है। आपको बता दूं कि पिछले कई समय लंबे समय से मैं खुद यहाँ वसई विरार महानगर पालिका से इस क्षेत्र में एक बस स्टैंड लगाने की मांग कर रहा हूँ। मैंने वसई विरार महानगर पालिका परिवहन समिति को एक पत्र देकर बस स्टॉप लगाने की मांग की थी, जिसके ऊपर वसई विरार महानगर पालिका परिवहन समिति ने मेरी इस अर्जी को मंजूर करते हुए यहाँ पर एक बस स्टॉप अलॉट किया था। बस स्टॉप अलॉट होने के बावजूद वो पत्र काफ़ी दिन हो चुके हैं, करीब करीब 5-6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, ये बस स्टॉप यहाँ पर अलॉट हो गया। लेकिन महानगर पालिका परिवहन समिति जिस कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है ये सेवा चलाने के लिए SNN, उन्होंने यहाँ पर बस स्टॉप नहीं लगाया। बाद में मैंने कई बार फॉलोअप किया तो महानगर पालिका ने यहाँ ये बस थांबा लगाया, इसको यहाँ पे कहीं गाड़ा गया था जमीन में और वो यहाँ से निकल गया। इसका भी मैंने फ़ोटो खुद महानगर पालिका अधिकारी को भेजा था कि ये देखिए किस कंडीशन में, पहले दिन से ही ये झुका हुआ था, ये किस कंडीशन में लगा हुआ है। आखिरकार ये गिरा तो किसी रास्ते चलते भले इंसान ने इसको इस तरह से बांधा है। अब बड़ी शर्म की बात है वसई विरार महानगर पालिका के लिए, क्या ये बस स्टॉप इस तरह से जिस कंडीशन में यहाँ पर है अभी, ये किसी उपयोग का है? और यहाँ बात हुई थी जब बस स्टैंड लगाने की, तो ये थांबा लगाने का मकसद क्या है? तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका परिवहन समिति का जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके कामकाज कैसे हैं आप देख सकते हैं। वसई विरार महानगर पालिका पब्लिक का पैसा है, वसई विरार महानगर पालिका में रहने वाली पब्लिक टैक्स भरती है, और उस पब्लिक के लिए यहाँ से बाहर आप जाएंगे तो वाबोला बल्कि अग्रवाल के वहाँ पर बस स्टॉप है, उसके बाद में सीधा बस स्टॉप है बंगली नाके पर, इस बीच में बस स्टॉप नहीं है। यहाँ बस स्टैंड की बस स्टॉप की मांग की गई तो ये थंबा लगा दिया, और ये भी करीब 6 महीने बाद लगाया। इसकी हालत कैसी है आप देख सकते हैं। अब आज का ये वीडियो देखने के बाद क्या इन अधिकारियों को, इन कर्मचारियों को शर्म आती है, ये हम देखेंगे। क्या अब वसई विरार महानगर पालिका यहाँ प्रॉपर बस स्टैंड लगाती है, ये सवाल है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।